पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। अरे रुक, पकड़ो पकड़ो। ले जाओ शराफत से बता दे उस लिफाफे में कहाँ का एड्रेस था जो तूने चलती हुई पोस्टल वैन में डाल दिया था। एड्रेस पढ़ने को टाइम का मिला, मैं तो जान बचाए भाग रहा था। ये वेटर ऐसे नहीं बताएगा, मार उसको। एक और, दो और, चार और। ओह माय गॉड, केतु रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? डोंट वरी भैया, अभी सब कुछ बता देगा ये, मारो इसको। अरे नहीं बेवकूफ, ये हमारी हुंडी है, 500 करोड़ रुपए का बैरर चेक। अगर ये मर गया तो हमें क्या मिलने वाला है? ठेगा, छोड़ दो इसे, और इसे कोई छुएगा नहीं। अब तुम मुझसे सीखो कैसे बात उगलवाते हैं। राजू राजू राजू, एड्रेस तो तुमने पढ़ा ही होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि तुमने एड्रेस नहीं पढ़ा, क्यों ब्रदर? पढ़ा था। देखा, मैंने सही कहा था ना। राजू, अगर एड्रेस तुमने पढ़ा ब्रदर, तो हमें बता दो, सारा झगड़ा खत्म। मैं इतना बेवकूफ नहीं ब्रदर, एड्रेस बताते ही आप तो मुझे मार डालेंगे। नॉट एट ऑल, आखिर तुम चाहते क्या हो? अपना हिस्सा। हिस्सा मतलब? मतलब मैं आपको उस फ्लॉपी तक ले जा सकता हूँ। ओह, लेकिन उस 500 करोड़ में से मुझे कितना मिलेगा? तुझे मिलेगा बाबा जी का प्रसाद, तेरी ये मजाल। प्यार से केतु, प्यार से। राजू, हम तुम्हें 5% देंगे, 10%। ओ मंजूर, तो हम पार्टनर हैं। अब बताओ पार्टनर की, अभी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बैंगलोर। बैंगलोर, ओ बैंगलोर, चलो। अब क्या हुआ? मेरी एक और शर्त है। शर्त? बहुत अच्छे केतु, वेल डन। कौन सी शर्त? जाने से पहले मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जरूर, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट क्या, 6 मिनट के लिए मिल लो, लेकिन मेरे लोग तुम्हारे साथ आएंगे। जल्दी मिलना अपनी छमिया से, चल जा। गीता जी, कैसे हैं आप? झूठे तो तुम थे ही, अब माफिया के साथ भी हो गए? नहीं गीता, मैं इनके साथ नहीं, मैं इनकी कैद में हूं। इन्हें वो फ्लॉपी चाहिए जिसमें 500 करोड़ रुपए की जानकारी है। अच्छा, इन 500 करोड़ में तुम्हारा कितना हिस्सा है? बताओ कितने में बेचा है तुमने अपने आप को? 10% में। क्या ये सच है राजू? देखो गीता, इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। फ्लॉपी पोस्ट करने से पहले मैंने एड्रेस याद कर लिया था, देसाई फूड एक्सपोज, पंजिम, गोवा, लेकिन मैंने सबको झूठ बोला है, बैंगलोर। इसलिए तुम फौरन गोवा जाओ और उस फ्लॉपी को हासिल करो, तब तक मैं भटकाता हूँ। और अगर इन्हीं तुम्हारी झूठ का पता चल जाएगा तो? झूठ बोलूंगा सच, ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। तुम इसी लायक हो। तुम अभी मुझे नाराज हो कि जब मैंने जो कुछ किया अपने प्यार के खातिर किया, और अभी जो कुछ कर रहा हूँ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। मेरी जिंदगी की दुआ दे रही हो या मेरी मौत की? जो चाहे समझ लो, I don't care. Goodbye. Hmm.
चलो मजनू, तेरी लैला तो चली गई। चल। राजू। की हुंडी है वो, पकड़ो। अरे उधर ही गाड़ी में पीछे चलो। देखो मिस्टर, मैंने सिर्फ काम की वजह से तुम्हारी जान बचाई है, कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना, समझे? समझ गया गीता जी, बिल्कुल समझ गया। लेकिन साला ये दिल है कि मानता ही नहीं। आपका मान जाता है गीता जी? कोई दिल विल नहीं, हम दोनों सिर्फ गोवा तक साथ हैं। काम खत्म होते ही तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। देखिए गीता जी, इस वक्त आप गुस्से में, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल हूँ गुस्सा, और क्यों ना हूँ। एक मामूली से वेटर ने ये कैसे सोच लिया कि मैं उससे प्यार कर सकती हूँ? सॉरी सॉरी गीता जी, सॉरी, आप मत कीजिए मुझसे प्यार, लेकिन मैं तो अपने आप को नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकते? तुम्हें क्या हक है मुझसे प्यार करने का? हक की बात मत कीजिए गीता जी, ये दिल का मामला है और दिल को कोई नहीं रोक सकता। अरे दिल की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें रत्ती भर प्यार नहीं करती। मत करो प्यार यार, मत करो। किसने बोला प्यार करने को? लेकिन हम तो मोहब्बत करेगा, और करेगा मतलब करेगा मतलब करेगा। फिनिश। ब्लडी फूल। ओए कुड़िये, आगे देख। शेमलेस रफियन रोड साइड रोमियो, जी करता है अभी गाड़ी से उतार दो। गाड़ी भगाओ, और कुछ नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, अरे अरे ये देखो क्या हो गया। अरे राजू क्या? जंगल में। हाँ जंगल में। एक गेट कीजिए। ये तो जंगल के अंदर घुस गए, इतना घना जंगल, यहाँ पर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लगता फिर से भैया से चांटा खाना पड़ेगा। वो चले गए, वो है नहीं अभी। आप तो ऐसे चलाइए ना प्लीज। हाँ हाँ, लगता है हम भी कहीं खो गए, पता नहीं हाईवे कहाँ है। यही कहीं होगा गीता जी, यही कहीं। किस तरफ? अब बताओ कहाँ जाए, दाएं या बाएं? दाएं चलना चाहिए। नहीं नहीं गीता जी, यहाँ चलते हैं, बाएं। क्यों बाएं? क्यों दाएं क्यों नहीं? गीता जी प्लीज मेरी बात सुनिए, बाएं चलते हैं, प्लीज बाएं। ये कहाँ कच्ची सड़क पर ले आए हो, लेकिन तुम यहाँ से कब गुजरे? सचमुच भाईजान। क्या हुआ? वो भवानी प्रसाद के आदमी नीतू जी की माँ को उठा के ले गए, आप प्लीज जाके उन्हें बचाइए। चल। अम्मी जान। हाँ मैं तेरी मजबूरी को समझ रही हूँ बेटा, लेकिन भाग हुसैन, भाग जल्दी जल्दी मौसी, जल्दी जा बेटा, अपनी माँ को बचा ले। माँ? हाँ, तुझे जन्म मैंने दिया है, पर जिंदगी उस औरत ने दी है तुझे।
आज से 20 साल पहले अपनी जान पर खेलकर, अपनी आंखों की रोशनी गवाकर उसने तेरी जान बचाई। मुझसे ज्यादा उसका हक बनता है तुझ पर। हम दोनों उसके कर्जदार हैं बेटा, और मुसलमान अपना कर्ज इसी जन्म में अदा करता है। जिस माँ ने तेरे हाथ पर यह बंदिश का धागा बांधा था, आज वही माँ तुझे इस बंदिश से आजाद करती है। जा बेटा जा, और खाली हाथ मत आना। इस मकसद में अगर तेरी जान भी चली जाए तो तेरी माँ का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अल्लाह तेरी हिफाजत करे। कहाँ ले आए हो मुझे? छोड़ दो, छोड़ दो। अब अम्मा आ गई है तो बेटी भी आ जाएगी। ए मजी, बताओ तो जरा आपकी बेटी कहाँ है? अरे अरे संभालो, बुढ़िया गिर जाएगी। बुढ़िया तेरा हुसैन, हुसैन, हुसैन। हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। चल। मौत की तरफ भाग रहा है। यहां छुप जाता हूं। ये रोशनी अनंता, यार अनंता, लाइए गोली मत मारो भाई। अब तक तुम, हम तो आप ही के पास आ रहे थे, अपना गुनाह कबूल करना चाहते थे। हमसे गलती हो गई ना, ये लो इला इला इला, हमको माफ कर दो। हमको मारा, बाघ मारे को हमने मारा।